हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी द इनफॉर्मर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप है, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत का नाम यहाँ के प्राचीन कबीले भरत कबीले के लोगों के नाम पे रखा गया, जिसे भारती भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये फारसी शब्द हिंदू से बना, अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, जो यूनानी भाषा इंडी का एक रूप है। भारत के भाषाओं में बहुत विविधता देखी जाती है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, जहां उत्तर में इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोगों की अधिकता है, तो वहीं दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोली जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी जो भारत घूमने आए जिन्होंने भारत के बारे में इतिहास में लिखा, और चौथा और वो भारत जो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के माध्यम से जानेंगे। आइए धर्म ग्रंथ के बारे में जानें। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, नियम, ईश्वर, देवता, भगवान, मोक्ष आदि मानव से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं, और इसमें रहस्यमय ज्ञान का भी वर्णन है। तीसरा सामवेद। साम का अर्थ है ज्ञान, इसमें यज्ञों का मंत्र है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चौथा अथर्ववेद। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में ही है। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ से ही असली प्राचीन भारत की पहचान होती है। इसमें अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया था, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखा गया और अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया। विदेशी जो भारत के बारे में उल्लेख करते हैं, उनमें से हेरोडोटस है, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने भारत और फारस, अब जिसे हम ईरान कहते हैं, इनके संबंध के बारे में लिखा। अपने किताब इंडिका में मौर्य युग और इसकी संस्कृति के बारे में लिखा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक में हिंद महासागर और भारत के व्यापार के बारे में पौराणिक जानकारी उपलब्ध है। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेशर शैली कहलाती है। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलते रहे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।